शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आए। जैसा कि हम सबको पता है कि आज एक नई डेवलपमेंट पिछले एक दो हफ्ते से हुई है कि कोविड के नए स्ट्रेन आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो सिटीज़ हैं, बाकी रियासतें जो हैं, यूनियन टेरिटरीज़ भी जो हैं, उधर कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं क्योंकि यूरोपियन कुछ नया स्ट्रेन म्यूटेट हुआ है और वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मास्क की जहाँ तक हम बात करें, हम बड़ी एक कॉमन अकरेंस देख रहे हैं पूरे शहर में कि लोग कोताही बरत रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे हैं। वो पब्लिक प्लेसेस हो, कमर्शियल सिटी सेंटर्स हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, आप अभी भी बाहर जा सकते हैं किसी कमर्शियल सिटी सेंटर में और आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल यू विल फाइंड विदाउट फेस मास्क। तो अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द JNK म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, हमने उनको एनफोर्स किया है। चीफ लॉ ऑफिसर साहब यहाँ, कमिश्नर साहब, जॉइंट कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी SMC बैठे हैं, हमने उन सेक्शंस को एनफोर्स किया है फ्रॉम 1 जनवरी 2021, जहाँ हम वायलेशंस जो मास्क नहीं पहनेगा, हम वो मैकेनिज्म अभी बना रहे हैं कि वी कैन इम्पोज अ मास्क अप टू 500। शायद हम ये करें कि पहले हफ्ते हम 200 रुपये का रखें और फिर 500 रुपये का या रिपीट वायलेशंस का रखें, बट द फाइन कैन बी अप टू 500 रुपीज़ फॉर नॉट वेयरिंग अ मास्क इन श्रीनगर सिटी लिमिट्स। हम इन्फोर्समेंट टीम्स 35 वार्ड्स में शहर की बना रहे हैं। हम पुलिस से भी सपोर्ट सीख करेंगे, लेकिन ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक कानून बना रही है 1 जनवरी 2021 से श्रीनगर शहर के दायरे के अंदर अंदर मास्क को पहनना कानूनी तौर ज़रूरी होगा। मास्क जो नहीं पहनेगा, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ वायलेशन ऑफ लॉ। उसकी फिर लीगल ऑप्शंस क्या हैं, कैसे, वो कमिश्नर साहब आपको बताएंगे मेरे बाद। पहले स्टेप पे हम ये करेंगे कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम आर ओन होम। पहले हम ये SMC में इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले एक दो हफ्ते। कल से या परसों से एनीबडी इन SMC सेंट्रल ऑफिस या SMC वार्ड ऑफिसेज और SMC फील्ड वर्कर्स में जो मास्क के बगैर पाया जाएगा, पहले हम अपने एम्प्लॉयज पे एक्शन लेंगे। और हमारे काफ़ी जो फील्ड लेवल के, ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, आप सैनिटेशन स्टाफ लीजिए, कंसोलिडेटेड वर्कर्स लीजिए, वो शायद अफोर्ड ना कर सके। तो अब तो 4,000-4,500 जो हमारी फील्ड वर्कर्स हैं, कंसोलिडेटेड वर्कर्स हैं, उनको हम अगले 2 दिनों में एक और रीयूजेबल मास्क या 2 मास्क पर पर्सन, जैसा एक मैकेनिज्म बनाएंगे कमिश्नर साहब, हम उनको मास्क से फराहम, उनको मास्क फराहम करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसेज, कमर्शियल सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, शॉप्स, बैंक ब्रांचेस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। जैसा कि मैंने कहा, 35 एनफोर्समेंट टीम्स हम शहर में 35 वार्ड्स में बनाएंगे और 1 जनवरी से, साल के पहले दिन से, श्रीनगर में मास्क पहनना लाजमी होगा। इसमें ये खदशात भी हैं कि विंटर कंडीशंस में ये एग्जैसरबेट भी होता है, और इतनी मेहनत इस शहर में की है, कोविड में भी वी इमर्ज एज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स इन द कंट्री, तो इतनी अचीवमेंट के बाद उसको ज़ाया ना करें। एग्रेसिव हम पब्लिसिटी इसकी कर रहे हैं अगले 7 दिन में, और आज ये मकसद ये भी है कि आप सब आए हैं और आपके ज़रिए से हम लोगों को ये बताएं कि हम कुछ इकदाम उठा रहे हैं। ये फर्स्ट एक स्टेप है, वी विल गो फर्दर इन द कमिंग मंथ टू इंश्योर कि श्रीनगर रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनदर वेव ऑफ कोविड। हमने पहले बहुत मेहनत की, हमारे फील्ड वर्कर्स ने बहुत मेहनत की, अफसर हजरात ने मेहनत की, हम फिर से अब वो प्रोसेस, वी आर ब्रिंगिंग दैट बैक ऑन ट्रैक। और उसका फर्स्ट प्रोसेस ये होगा कि 1 जनवरी 2021 से मास्क पहनना श्रीनगर शहर के
लिमिट्स में मैंडेटरी और लीगली मैंडेटरी होगा। अब इसमें आपका ये भी कहना होगा कि क्या हम 100% एनफोर्समेंट कर सकते हैं पहले दिन से। देखिए 100% एनफोर्समेंट हो या ना हो, कोशिश हमारी जारी रहेगी और हम लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि पहले तो इसमें कानून की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। ये एक सोशल कॉन्शियसनेस की बात है कि आप अपने शहर को, अपने अयाल को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने बुज़ुर्गों को खासकर बचाने के लिए ये एहतियात बरतिए। लेकिन अगर कानून को लगाने की अब ज़रूरत पड़ी है, फिर भी हम लोगों से एक मोदबाना गुजारिश करेंगे कि आप वॉलंटियर कीजिए, मास्क पहनिए। जहाँ आप देख रहे हैं कि मास्क नहीं पहने जा रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को कहिए कि मास्क पहनना लाजमी है और ज़रूरी है। कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वी आर स्टिल लूजिंग प्रेशियस लाइफ्स, वी स्टिल हैव केसेस कमिंग एवरी डे। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट अफेक्टेड इन द एंटायर यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं पूरी यूनियन टेरेटरी में, उसमें वी आर द वर्स्ट अफेक्टेड। तो इसलिए हमें कॉन्शियस भी ज़्यादा रहना पड़ेगा। कमिश्नर साहब, आपको फर्दर इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या प्रोसेस है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेयर साहब ने वजातन सारी बातें कह दी, क्योंकि हमारे पास एक्ट है सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 जेके में, उसमें हमें जो इख्तियार दिए गए हैं उसको बरोए कार लाने के लिए, क्योंकि मेयर साहब ने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। जैसे इन्होंने कोविड के दौरान, जबकि कंट्री में अभी लॉकडाउन नहीं हुआ था, इन्होंने यहाँ पे कहा था लॉकडाउन। बहुत सारे लोगों ने इसमें उंगलियाँ उठाई थी उस वक्त, लेकिन बाद में वही लोग फिर कहने लगे कि आप पॉजिटिव थे और टाइमली आप लोगों ने एक्शन लिया था। तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि कॉरपोरेशन में एक एक्ट है, एक कानून है। कानून के तहत जो काउंसलर या मेयर साहब कमिश्नर को हिदायत दें, उस पर सारा SMC जो अमला है उसको अमलाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इन्होंने जो आज कदम उठाया, ये बहुत ही अच्छा कदम है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारा अमला इसमें इम्प्लीमेंट करेगा, उसका चार्ट हमने पहले ही बनाया हुआ है। तो कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो भी हमने देखा हुआ है। एक दो दिन से मेहनत कर रहे हैं मेयर साहब के कहने पर। तो इंशाल्लाह फर्स्ट से, जैसे मेयर साहब ने वजहतन कहा, फर्स्ट से हम इसमें शहरी श्रीनगर में इसको लागू करेंगे। अब इसमें ये नहीं है कि हम अभी भी मीटिंग कर रहे थे मेयर साहब के साथ, हम इसमें यही कह रहे थे कि फाइन ही नहीं है कि हम फाइन करेंगे और यहाँ रेवेन्यू जमा करेंगे। हमारा ये एम नहीं है, हमारा ये मकसद नहीं है। बेसिकली अवेयर करना है लोगों को कि मास्क पहनना ज़रूरी है अपनी सेहत के लिए। और माशाल्लाह शहरी श्रीनगर के लोग या बाकी लोग जो शहरी श्रीनगर में आते हैं, वारिद होते हैं, उनको जहीन लोग हैं, पता है कि मास्क पहनना ज़रूरी है। अब ये है कि लाइतुलैल करते हैं। अभी मैं इनसे, मेयर साहब से बात कर रहा था, मैं परसों लालदेद हॉस्पिटल गया, अंदर मैंने सबको मास्क में पाया। तो मेयर साहब कह रहे हैं कि हाँ, वहाँ डर की वजह से, ताकि मुझे ही बीमारी ना लगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैं कॉन्शियस होना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, कि मुझे मास्क पहनना ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं शहर से अपने घर की तरफ जाऊँ, तो मैं कितनी ये वायरस अपने साथ ले रहा हूँ एज कैरियर, तो क्या पता मास्क किसी का बंद कर सकते हैं। तो अब प्रॉबली एक रियलिस्टिक चैलेंज ये है कि चलिए इक्तिसादी सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखते हुए लोगों की, लेकिन एहतियात भी करें। उसमें ये है कि हम संडे मार्केट हमने डिसाइड किया, मार्केट, सिटी सेंटर, कमर्शियल मार्केट्स में वी विल हैव एनफोर्समेंट टीम्स टू एंश्योर दैट एवरीबॉडी इज वेयरिंग अ मास्क। और शॉप्स में एंड इन शॉप्स, बैंक ब्रांचेस, वी आर गोइंग टू इशू नोटिसेस लाइक इट इज वर्क इन दिल्ली, दैट इन अ पर्टिकुलर बैंक ब्रांच ओनली 10 पीपल कैन एंटर एट अ टाइम, एंड नोबडी इन दैट बैंक ब्रांच, दैट कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, दैट ऑफिस शुड बी विदाउट मास्क। देन वी कैन ऑल्सो फाइन दैट बैंक ब्रांच एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एंड अ वेरी हैवी फाइन, वो ये 500 का फाइन। वी कैन ऑल्सो सील दैट एस्टैब्लिशमेंट। सो ऑल प्राइवेट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, एवरीबडी हैज टू कम टूगेदर एक माशरे की लेवल पे, एक इखलाकी लेवल पे, एक समाजी लेवल पे। हम सबको इकट्ठे आके ये समझना चाहिए कि ये हम, जैसे मैंने बार बार कहा, दिस इज अ कलेक्टिव फाइट। पर्सनली आई अप्रिशिएट योर दिस इनिशिएटिव सर, बट आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस संडे मार्केट। एक मेरा सवाल है कि यहाँ पर अगर देखा जाए संडे मार्केट वहाँ पर लगाया जाता है, वहाँ से पूरा रोड वो उस दिन ब्लॉक किया जाता है, नंबर एक। वहाँ पर अगर प्रेस वालों को भी जाना होता है तो बहुत ही ह्यूमिलेट करके वहाँ से हमें भगाया जाता है, नहीं जी वहाँ से आ जाओ।
ये हमारी बात है, ऑल द कम्यूटर्स आर सफर फ्रॉम दैट साइड। तो नंबर एक, नंबर दो, जो स्ट्रीट वेंडर्स है दे आर कंक्यूअर मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स इन सिटी सेंटर, तो उसमें भी शाम के वक्त अगर हम देखेंगे सो मेनी मतलब देयर इज अ ट्रैफिक मेस इन ऑल द सिटी सेंटर्स। तो व्हाट शुड वी थिंक कि आप इसके लिए कुछ इनिशिएटिव करेंगे, जो ये रोड ब्लॉक हो रहा है अभी संडे मार्केट हो या बाकी जो स्ट्रीट वेंडर्स ने अभी कंक्यूर किया होता है लैंड, तो उसमें आप कुछ इनिशिएटिव लेंगे सर? उसमें स्ट्रीट हॉकर्स और वेंडर्स की रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस ऑलरेडी इन वोग है। मैं आपको हरी सिंह हाई स्ट्रीट की बात बता दूँ, दे आर बीइंग रिहैबिलिटेटेड टू द खालसा स्कूल वेंडर मार्केट। फिर ऐसे हम और आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मक्का मार्केट को हम वी आर ट्राइंग टू रेगुलराइज दैट, कि उसको कैसे रेगुलराइज करें अकॉर्डिंग टू लॉ। अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, कमिश्नर साहब मुझे कल इसमें ब्रीफ कर रहे थे कि सेल्फ हेल्प स्टाइपेंड मिलेगा स्ट्रीट हॉकर्स को, प्रॉब्ली दैट कैन ऑल्सो हेल्प टूवर्ड्स 10,000 रुपये पर स्ट्रीट हॉकर। उसका एक टारगेट 5,000 था, वी हैव आस्क्ड दैट टू बी रिवाइज टू 7,000 स्ट्रीट वेंडर्स। तो ये जो स्ट्रीट वेंडर्स का मसला है ये बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मसला है। आप समझिए 5,000 आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको रिहैबिलिटेट आपको सिर्फ फिजिकली नहीं करना है। मैंने बार बार कहा रिहैबिलिटेशन एक लॉ एंड ऑर्डर प्रोसेस नहीं होता, एक इकोनॉमिक प्रोसेस होता है। आपको उनको वहाँ रिहैबिलिटेट करना है जहाँ पे वो इकोनॉमिकली अपने आप को सस्टेन कर सके, अदरवाइज दे विल कम बैक। आप हरी सिंह हाई स्ट्रीट से पुलिस के जोर से या लॉ एंड ऑर्डर के जोर से अगर उनको रिहैबिलिटेट करके कहीं एक दिन निकाल देते हैं, उनका द परसूट ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी विल ब्रिंग देम बैक। सो वी हैव टू इकोनॉमिकली रिहैबिलिटेट देम। वी आर वर्किंग ऑन डी कंजेशन ऑफ द सिटी एंड स्ट्रीट वेंडर रिहैबिलिटेशन इन टू डेजिग्नेटेड प्लेसेस।